तो दोस्तों बात करते हैं एलवेस यादव के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफी सारी लेटेस्ट न्यूज कवर की है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो एलवेस यादव बिग बॉस से बाहर आने के बाद अपने मेन चैनल में कोई भी कॉमेडी वीडियो नहीं डाली है। जब वो बिग बॉस में थे तो उन्होंने कहा था कि वो एक कमाल की वेब सीरीज बना रहे हैं, उनके वेब सीरीज का शूट शुरू हो गया है। तो उसके बारे में एलवेस यादव आज के ब्लॉग में बात किए हैं, क्या बोले हैं चलिए देखते हैं। आज तुम्हारे भाई का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि बिग बॉस के बाद हमारी पहली वेब सीरीज की शूट है। चल की शूट है गाइस, चलो है ना, इतने टाइम से ब्लॉग व्लॉग निकाल रहे, सब पूछ रहे भाई दूसरे चैनल पे कब आएगी क्या आएगी। भाई साहब शूट शुरू कर दिया और इस बार भाई बजट कितना ज्यादा लग रहा है। पैसा सुन के हम ही कांप गए। इस बार पैसा ठोक दिया तुम्हारे भाई ने, तो देखो रिस्पॉन्स उसी हिसाब का लेना, मेरे को पैसा कवर करना है भाई, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो है ही, तुमसे तो क्या ही झूठ बोलना, पैसा भी तो इसी से कमाते हैं हम। पर ये है कि स्क्रिप्ट में, डायरेक्शन में, वीडियो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इस बार, फिल्म सी शूट कर। तो गाइस क्या एनिमल मूवी हमारे समाज के लिए कैंसर है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ध्रुव राठी ने अपनी रिसेंट वीडियो में बोला है और कहा है कि एनिमल जैसी मूवी लोगों पर बुरा प्रभाव डालती है। आल्सो वो कुछ यूट्यूबर्स एंड हनी सिंह को क्रिटिसाइज किए। आप देखिए यूट्यूब पर मुन्नू छपरी यूट्यूबर्स को फॉलो करता है जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ये कहते हैं कि देखो लड़कियों में दिमाग नहीं होता, उनका काम बस घर पे काम करना होता है। इंस्टाग्राम पर मुन्नू एंड्रू टेट जैसे लोगों को फॉलो करता है जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मिसोजिनी के सिंबल बने बैठे हैं। सिमिलर बातें वहीं से भी सुनता है। इसके अलावा जब मुन्नू गाने सुनता है तो गानों में भी यही औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन सुनने को मिलती है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले मुझे अल्कोहल से। हनी सिंह के गाने, कभी लिरिक्स पर ध्यान दिया है? मैं हूँ वुमेनाइजर, मुझसे अकेले में मत मिल। सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं, ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं। मैं हूँ शेर, घास चरता नहीं। तू है जानता मैं हूँ शिकारी, तुझे खा जाऊंगा सारी की सारी। मुझे लिरिक्स बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है। यूनिसेफ ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें बताया कि कैसे मास मीडिया में औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन उनके खिलाफ वायलेंस का कारण बन जाती। जब मुन्नू सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाता है तो उसे एनिमल जैसी फिल्म देखने को मिलती है। एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रोटैगनिस्ट अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ देता है, कभी गला पकड़ लेता है, कभी उस पर बंदूक तान देता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी पत्नी ने भी तो उसको थप्पड़ मारा। लेकिन यही तो बात है कि आदमी औरत को या औरत आदमी को क्यों मारे, किसी भी साइड से हो रहे वायलेंस को क्यों ग्लोरीफाई किया जाए। क्योंकि संदीप बांगा के अनुसार प्यार प्यार नहीं होता जब तक आप अपने लवर को मार नहीं सकते। मजाक नहीं कर रहा मैं, संदीप बांगा ने एक्चुअली में ये चीज कही थी एक इंटरव्यू में सीरियसली। When you are deeply in love, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. फिल्म में रणविजय इतने मास मर्डर करता है लेकिन उसकी पत्नी गीतांजलि कभी उसे छोड़ने का नहीं कहती। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है तो वो रणविजय को कहती है कि उस लड़की को जाकर मार दे। पागल हो गया तू, इलाज करा ले अपना। रणविजय को फिल्म में एक बेटी का बाप दिखाया है लेकिन उसके बावजूद वो मेंस्ट्रुएशन के डिस्कम्फर्ट का मजाक उड़ाता है। अपनी वाइफ को कहता है कि ये मर्दों की दुनिया है। अपनी लवर को कहता है कि मुझसे मोहब्बत है तो मेरा जूता चाट कर दिखा। फिल्म का हीरो कुछ ऐसा है जो ये सारी चीजें करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को जैसे अल्फा मेल की तरह दिखाया जा रहा। मुन्नू की जिंदगी में पूरा माहौल ही ऐसा है, हर जगह रिग्रेसिव व्यूज, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन, औरतों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाना। और इसके बाद कोई कहता है कि एक फिल्म से क्या फर्क पड़ता है, एक फिल्म से फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा माहौल ही यहाँ पर बिगड़ा हुआ है और इस माहौल को बरकरार रखने का काम कर रही हैं ऐसी फिल्में। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में समाज के लिए कैंसर है। तो दोस्तों बात करते हैं स्काउट के बारे में, जो कि एक एक्सपोर्ट गेमर एंड यूट्यूबर भी है। रिसेंटली स्काउट रणवीर इलाहाबाद या पॉडकास्ट में गए थे तो वहाँ गेमिंग से रिलेटेड काफी सारी बातें हुई और उनसे पूछा गया कि इंडियन गवर्नमेंट गेम्स को सपोर्ट करती है, तो स्काउट ने इस पर क्या कहा है चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट भी है बट अपनी गवर्नमेंट अभी बहुत सपोर्ट कर रही है, बट वो ये कि उनकी ऑब्वियसली उधर गेम जल्दी आया था तो गवर्नमेंट ने जल्दी सपोर्ट किया, हमारे इधर गेम लेट आया था तो लेट सपोर्ट किया। हमारी गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है? अभी तो मतलब पहले ई स्पोर्ट्स नहीं मानते थे, पहले गेमर अरे टाइम पास कर रहा है। मतलब पहले हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते थे तो मैं एयरपोर्ट पर आता तो उन लोग पूछते थे ना कि क्यों जा रहे भाई, मैं बोलता था पबजी मोबाइल टूर्नामेंट है, वो पबजी वाला है, गेम खेलने जा रहे हैं। तो ऐसा एक लुकडाउन करते थे कि अरे गेम खेल रहा है, अब वो नहीं, ओ यू आर गेमर, ऐसा सीधा गेमर टर्म मिलता। अच्छा तो बात करते हैं राउंड टू हेल के बारे में। तो राउंड टू हेल के लेटेस्ट वीडियो आदिमानव पर बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और वीडियो के एक हफ्ते में ही 3 करोड़ व्यूज क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतना ही, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।